हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं और शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, इनसे संबंधित उदाहरण और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल्स और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यानी कि छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके उदाहरण और उनपे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हमने पहले पढ़ ली थी, उनका फॉर्मूला आपको याद होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था वेग स्थिरांक के। के क्या होता है, तो हम कहेंगे के का फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। के है वेग स्थिरांक, टी है टाइम, आर नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी कि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और आर है क्रियाकारक की शेष सांद्रता, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल, वो टाइम जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है। उसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था, टी हाफ इक्वल्स टू लॉग बेस 2 डिवाइडेड बाय के, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, लॉग बेस 2 2.303 इंटू लॉग बेस 10 और log 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ऐसे कह दो कि k बराबर ln 2 डिवाइडेड बाय k, तो ln k को जब ln से log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 डिवाइडेड बाय k, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, तो बच्चों हमने जाना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल, टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता से रिलेटेड नहीं होता है, सांद्रता बदलने पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन को बार बार चेंज करने पे हाफ लाइफ पीरियड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता 50 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो बच्चों टाइम तो दिया है तुम्हें 50 सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों 50 सेकंड में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो आधी रह जाती है मतलब अर्धायुकाल मान लो, तो मैं ऐसा ही लिख दूं कि टी क्या है, तो टी जो है वो प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट है ना, और आर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आर नॉट बाय 2। ठीक है, तो मैं कहूंगी आर नॉट से आर बाय 2 यानी आधा होने में, आधा होने में लगने वाला समय है। ठीक, तो बच्चों अगर आधा होने में लगने वाला समय है तो मैं इसी को लिख दूं टी हा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है वेग स्थिरांक के। तो के इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बनेगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हा। बस, तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो हाफ लाइफ पीरियड है बच्चों 50 सेकेंड। ठीक है, तो आप 0.693 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.386 इंटू 10^-2। अब बच्चों यहां वैल्यू सेकेंड्स में है ना, तो यूनिट जो हो जाएगी दैट विल बी सेकेंड इनवर्स। करेक्ट, मात्रक का ध्यान रखेंगे, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है दैट इज टाइम इनवर्स है ना, तो सेकंड है टाइम तो सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो आपको के दे रखा है, वेग स्थिरांक का मान है 60 सेकंड इनवर्स। अब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, तो बच्चों हम मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता हमने डिसाइड कर रखा है आर नॉट, तो हम आर नॉट को आर नॉट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों शेष सांद्रता यानी बचेगी कितनी, तो शेष सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। अब आर की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा इनिशियल का, तो हम कहेंगे आर इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 10। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग बचने में, तो बची हुई सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट का 1/10 यानी आर नॉट इंटू 1/10। ठीक, अब आपको क्या पूछा, इसने टाइम पूछा है,
तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद है आपको, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, अगेन टी इक्वल्स टू 2.303, के की वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे 60 लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर की प्लेस पे भी आ जाएगा आर नॉट बाय 10। तो बच्चों आर नॉट तो कैंसिल कर दो, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है, लॉग 10 1 होता है, तो टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग 10 बेस 10। तो बच्चों लॉग 10 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। तो अब आपका आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60। अब टाइम, सॉरी के की यूनिट सेकंड इनवर्स में है, तो बच्चों टाइम आपका सेकंड में आएगा, ठीक है। तो आपके पास है 2.303 डिवाइडेड बाय 60, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.038 सेकंड्स, ठीक है, 0.038। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में, तो बच्चों 50% यानी आधी अभिक्रिया, और आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल यानी कि टी हाफ, तो टी हाफ जो है वो है 60 मिनट, ठीक है। और आपसे पूछा है टी 75, आप बता दो। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने रिलेशन भी याद रखा हुआ है ना, हमने डिराइव भी किया था पिछली क्लासेस में, अगर आप जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां हमने ये पढ़ा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 75 जो होता है वो टी 50 का दुगुना होता है, ठीक है। आधी अभिक्रिया होने में जो टाइम लग रहा है ना वो, ठीक है, उससे भी आधा करना है, मतलब 75% रिएक्शन बढ़ानी है ना, यानी 1/4 बच रहा है, तो आपका समय दुगुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो टी 75 3/4 पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का दुगुना होता है। तो बच्चों 60 मिनट में रिएक्शन आधी हो रही थी, तो हम कहेंगे 120 मिनट में अभिक्रिया 75% पूर्ण हो जाएगी, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 120 मिनट्स। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारे पास छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में लिखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। तो बच्चों डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एस्टर जल अपघटन, ठीक है, अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन, तो बच्चों एथिल एसीटेट, तो एसीटेट लिखना आता है ना, CH3COO, ठीक है, एच लिख दूंगी तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, एच नहीं लिखूंगी तो एसीटेट हो जाएगा, और एथिल लगाना है तो C2H5। अब बच्चों एथिल एसीटेट का जल अपघटन करना है अम्लीय माध्यम में, एस्टर का जो लिविंग ग्रुप होता है ना वो होता है OC2H5, ठीक है। तो यहां से तुम देखोगे, यहां से OC2H5 और ये H, एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा, और आपका आंसर जो हो जाएगा दैट इज एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, ठीक। अब बच्चों इस अभिक्रिया के दौरान वाटर कंसंट्रेशन जो है, जल की सांद्रता आप देखेंगे बहुत ज्यादा होती, एक्सेस में होती, ठीक है। इस अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता, तो हम कहेंगे जल की सांद्रता बिल्कुल आधिक्य में है, ठीक। तो बच्चों एस्टर कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन दो ही तो क्रियाकारी अणु है, एक एस्टर है और एक जल है। अभिक्रिया के दौरान आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी की सांद्रता ऊपर नीचे करने से वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। मैंने वाटर डबल कर दिया, वाटर 3 गुना कर दिया, तो मैंने देखा कि जल की सांद्रता बदलू तो वेग का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं वेग समीकरण लिखूंगी
तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि भाई इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो है वो इसकी सांद्रता पर तो निर्भर नहीं करता। हाँ, इसको बदलोगे तो जरूर बदले, है ना, एस्टर सांद्रता दुगनी कर दो, वेग दुगना हो जाएगा। तो बच्चों अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं लिख दूं, जल की सांद्रता पावर जीरो निर्भर नहीं करता। यानी कुल मिला के हम अभिक्रिया वेग समीकरण बताना चाह रहे हैं कि भाई अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के और आ जाएगा एस्टर की सांद्रता यानी कि CH3COOC2H5। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें कि इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं तो हम कहेंगे एस्टर और जल, है ना। अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, तो भाई एक तो एस्टर भाग ले रहा है और एक जल भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या दो। यानी कि इस अभिक्रिया की अणु संख्यता की अगर मैं बात करूं तो इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, यानी मॉलिक्युलैरिटी अणु संख्यता तो दो है। लेकिन वेग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, है ना। यानी इस अभिक्रिया की जो कोटि मानी जाएगी, तो बच्चों अभिक्रिया की कोटि मानी जाएगी एक। ठीक है, तो एस्टर और जल दो अणु भाग ले रहे थे, मॉलिक्युलैरिटी टू। अभिक्रिया वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः अभिक्रिया की कोटि एक। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि भाई अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन वाली अभिक्रिया में हम देखते हैं कि अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन करने पे अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज हुआ ही नहीं स्पीड में, है ना, क्योंकि जल की सांद्रता पहले से ही एक्सेस में है। यानी जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, बहुत कम वाटर यूज होता है एस्टर जल अपघटन। ठीक है, तो बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु संख्यता तो है दो और अभिक्रिया की कोटि है एक, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु भाग लेते हैं, अणु संख्यता दो होती है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रियाकारक पर निर्भर करता है। जो क्रियाकारक आधिक्य में है उसमें अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में आएगा छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझा दो, तो एस्टर जल अपघटन। और कोई उदाहरण दो, तो बच्चों हम लेते हैं सुक्रोज इनवर्ट शुगर। ठीक है, हम ऐसा लिख लेते हैं उदाहरण इसका, शर्करा का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन। ठीक है, शर्करा का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन। तो बच्चों शर्करा, शुगर तो हमने लिख दिया C12H22O11, शर्करा हो गया। ठीक है, अब शर्करा का जल अपघटन करना है अम्लीय माध्यम, तो बच्चों ये कौन सी शर्करा है, तो हम कहेंगे ये इनवर्ट शुगर, इक्षु शर्करा, केन शुगर है ना, और प्रतीक शर्करा भी लिख सकते हैं, सारे नाम याद रखेंगे। इक्षु मतलब गन्ना, तो गन्ने से मिलने वाली शुगर है ना, इक्षु शर्करा। ठीक है, प्रतीक शर्करा इनवर्ट शुगर, या एक्चुअली ये सुक्रोज है, तो मैं यहां सुक्रोज लिख देती हूं। तो बच्चों इस अभिक्रिया में भी जल की सांद्रता आधिक्य में होती है, और जब हम जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज जल अपघटित होकर एक तो बनाता है ग्लूकोज और दूसरा बनाता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो बच्चों एक तो बना ग्लूकोज और दूसरा बना फ्रक्टोज। तो हम क्या देखेंगे कि इस अभिक्रिया के दौरान भी जल की सांद्रता आधिक्य में है, यानी ले देके अभिक्रिया का जो वेग है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करे, भाग दो जने ले रहे, अणु संख्या दो है ना, लेकिन वाटर कंसेंट्रेशन पे स्पीड डिपेंड ही नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर कंसेंट्रेशन। अगर मैं कहूं अभिक्रिया का वेग, तो आप क्या देखेंगे, अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो बच्चों एक जने पे डिपेंड करता है, पावर भी एक है, तो कोटि एक मानी चाहिए। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक है।
क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है बच्चों। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक और टॉपिक बता देती हूँ। देखो, यदि एग्जाम में आ जाए एस्टर जल अपघटन, तो आपने पढ़ ही लिया था, है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई एस्टर जल अपघटन तो है लेकिन तो बच्चों एस्टर जल अपघटन तो था अम्लीय माध्यम में। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्षारीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन, ठीक। अब देखो, लेना एथिल एसिटेट ही है, है ना। एथिल एसिटेट पढ़ रखा है ना, CH3COOC2H5, ठीक। तो बच्चों लेना तो एथिल एसिटेट है, लेकिन इस बार अम्लीय माध्यम नहीं, इस बार क्षारीय माध्यम है। लाइक मैंने NaOH ले लिया, ठीक है, क्षारीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन। तो तुम देखोगे एक तो एसिटिक एसिड बनना था, लेकिन क्षार है तो सोडियम एसिटेट बनेगा प्लस इथेनॉल बनेगा C2H5OH, है ना। अब बच्चों यहां NaOH सांद्रता अधिकीय में नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको स्टडी करूं तो अभिक्रिया वेग जो है, ठीक है, अगर हम इसे पढ़ें तो बच्चों अभिक्रिया वेग एस्टर सांद्रता पर निर्भर करता है, बात सही है। साथ साथ में अभिक्रिया वेग NaOH की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, सीधी और साफ बात। तो अभिक्रिया वेग इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो आपको लिखना है के अभिक्रिया वेग स्थिरांक के एस्टर कंसेंट्रेशन और NaOH कंसेंट्रेशन। तो बच्चों कुल मिला के अभिक्रिया वेग दो जनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां कोटि भी दो है और अणुसंख्यता भी दो है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बच्चे उलझ जाते हैं कि यार क्षारीय माध्यम में तो पढ़ा नहीं था, अम्लीय माध्यम में तो पढ़ा था, लेकिन वो तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर था। तो अम्लीय माध्यम में तो है लेकिन क्षारीय में कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। दो जने भाग ले रहे तो अणुसंख्यता दो, और स्पीड दोनों पे डिपेंड करती है तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या हो जाएगी, तो समझ में आ गया। तो ये है एस्टर हाइड्रोलिसिस, चाहे एसिडिक मीडियम में आ जाए चाहे एल्केलाइन मीडियम में आ जाए, सिंपल है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, उदाहरण नंबर 4.9। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, मैथिल एसिटेट के जलीय विलयन में जल अपघटन का अध्ययन मुक्त हुए एसिटिक एसिड के मानक NaOH के अनुमापन द्वारा किया गया। विभिन्न समय अंतराल पर एस्टर की सांद्रता निम्न है। तो बच्चों आपको टाइम दे दिया, एस्टर कंसेंट्रेशन दे दी, और आपको बताना है अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, छद्म प्रथम कोटि की है। अब मुझे बताओ टाइम जीरो पे एस्टर की सांद्रता, अगर मैं देखूं तो भाई फॉर्मूला तो ये है मेरा स्यूडो योनि मॉलिक्यूलर के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के और एस्टर की सांद्रता, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे समय बीत रहा है एस्टर सांद्रता कम होती जा रही। तो बच्चों अगर टाइम जीरो है, टी बराबर जीरो, मतलब अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई होगी, हालांकि एस्टर जल अपघटन अम्लीय माध्यम में तो स्टार्ट हो जाता है, फिर भी टाइम जीरो है तो हम कहते हैं कि भाई प्रारंभिक सांद्रता, एस्टर की शुरुआती सांद्रता, तो वो हम कहेंगे 0.8500, ठीक। अब तुमने कहा नहीं मैं टाइम 30 मिनट रख लेता हूं, तो समय को 30 मिनट रख ले। तो बच्चों 30 मिनट बाद बची हुई सांद्रता, भाई हमने लिया तो इतना था, थोड़ी देर बाद इतना हो गया, मतलब 0.0001 रिएक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके इतना रिएक्ट हो गया, अच्छा आंसर है और 004 है, तो 0.00 जो भी जो रिएक्ट हुआ है वो पार्ट तो है, ठीक है। अब मैं देखूं कि भाई 30 मिनट बाद, तो तुम कहोगे शुरू में इतना था बाद में इतना था, तो मैं लिख देती हूँ बची हुई सांद्रता, तो बच्चों वो हो जाएगी 0.8004। आर नॉट भी आ गया, आर भी आ गया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो हम कहेंगे देखो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। अभी आप सिद्ध कैसे करेंगे? तो बच्चों विभिन्न समय अंतराल, पहले 30 मिनट दिया हुआ है, बाद में जो भी टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते जाएं। तो अलग अलग टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू निकालेंगे। अगर k का मान हर बार स्थिर है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे ओके 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 30 मिनट्स लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर। तो बच्चों 0.8500 और 0.8004, ठीक है, तो 0.8500 और 0.8004, ठीक है ना, वहां 500 है और यहाँ 4 है, ठीक है, तो 496 का फर्क आ गया आपके ना, 0.0496 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अभी क्या करें, पॉइंट पॉइंट उड़ा दो, है ना, और यहां से k की वैल्यू निकालो बच्चों। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 30 लॉग बेस 10, तो 8500 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 8004, ठीक है बच्चों, तो 8500 तो बच्चों ओवरऑल इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक एक बार कर ही लेते हैं, 8500 डिवाइडेड बाय 8004 तो ये आएगा 1.06, ठीक है। अब देखो एग्जाम में वैल्यू दी हुई होगी, आपको इतना टेंशन लेना नहीं होता है ना। अब देखो लॉग 1.06, तो बच्चों लॉग 1 तो वैसे ही जीरो होता है ना, तो इसकी वैल्यू आपके इतना मैटर नहीं करेगी इसको सॉल्व करने पर, है ना। लॉग 1.06 तो लॉग 1 तो जीरो होता है, फिर 0.06 तो 0.01 के अराउंड इसका वैल्यू होगा, ज्यादा कुछ होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, आपको गिवन होगा एग्जाम में लॉग 1.06 की वैल्यू, और बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.004 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, टाइम मिनट्स में था, तो मात्रक आ जाएगा मिनट इनवर्स। ये हमारा केस हो गया फर्स्ट, जब हमने टाइम रखा था बच्चों 30 मिनट्स, ठीक है। सेकेंड टाइम देख लेते हैं, तो सेकेंड टाइम में टाइम दिया हुआ है आपको 60 मिनट भी दिया हुआ है और 90 मिनट भी दिया हुआ है। अब 60 मिनट पे कंसंट्रेशन देख लो 0.7538, तो हम वापस रख लेते भाई केस टाइम 60 मिनट पे, तो बच्चों प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगी 0.8500, रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो 0.7538, ठीक है। एक बार फिर से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग बेस 10 0.8500 डिवाइडेड बाय 0.7538, ठीक है। फिर से कह रही हूँ लॉग में परेशान नहीं होता है, लॉग जब भी एग्जाम में आएगा लॉग की वैल्यूज दी भी होगी, हाँ लॉग 2 लॉग 4 लॉग 6 ये तो मैंने आपको सिखाया भी था, कुछ एक लॉग की वैल्यूज हमें याद रखनी है, यानी लॉग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी होगा आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करें, है ना, और मान लो तुम फंस जाओ तो आंसर नियर अबाउट आएगा, क्योंकि हमें पता है एस्टर जलवगटन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो आंसर इसी के आसपास आएगा, ज्यादा कोई फर्क रहेगा नहीं, तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ये 2.002 इंटू 10 to the power -2, ठीक है। एक बार और निकाल दी, अब नेक्स्ट टाइम टाइम 90 मिनट्स था, और बच्चों 90 मिनट पे जो बची हुई सांद्रता थी, तो 90 मिनट्स पे बची हुई सांद्रता थी 0.7096, ठीक है, 0.7096। अगेन हम k फाइंड कर लेंगे, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 90 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन 8500 फाइनल कंसंट्रेशन 7096, ठीक है। यहां से बच्चों जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां हमारे पास k आएगा 2.005, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू आएगी 2.005 इंटू 10^-2 मिनट इनवर्स। अब तीन एक्सपेरिमेंट है और अगर आप तीनों में देखें तो बच्चों के का मान लगभग सेम है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का है ये, प्रूफ कैसे हुआ? तो हम कहेंगे आपने बार बार समय बदला, समय बदला तो क्रियाकारक की सांद्रता बदली, लेकिन k का मान स्थिर है ना। किसी भी सिचुएशन में आप चले जाओ, k का मान स्थिर है, यानी अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको आगे बताना है, क्योंकि प्रत्येक प्रयोग में है ना, हर बार जो आपने डेटा दिए हैं तो प्रत्येक प्रयोग में k का मान स्थिर है। ठीक है, k का मान स्थिर है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करती है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया समीकरण का पालन करती है। ठीक, अब तो मिलेगा k की वैल्यू तो 3 है, थोड़ा बहुत ही चेंज है पर 3 है, हम क्या करें? तो बच्चों जब 3 वैल्यू है तो एवरेज निकाल दो, तो हम k का एवरेज मान निकाल देते हैं। पहली बार आया 2.004 इंटू 10^-2, सेकेंड टाइम था 2.002 इंटू 10^-2, और तीसरी बार क्या था 2.005 इंटू 10^-2। तो 3 डेटा है ना, तो एवरेज 3 से डिवाइड कर दो, तो यहां से बच्चों k एवरेज, k का औसत मान जो है वो हम निकाल देंगे। तो यहां से k का औसत मान जो आएगा वो आएगा 2.004 इंटू 10^-2, और यूनिट आ जाएगी मिनट इनवर्स। ठीक है, 2.004 इंटू 10^-3 है शायद बच्चों, हमने एक्सपेरिमेंट पर 2 लिख दिया होगा, 3 है, अच्छा यहाँ 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, हर बार 10^-3 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो आप हर बार 10^-3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज हो गया, क्लियर। तो बच्चों ये आ गया आपका k का एवरेज वैल्यू। ठीक, अब उसने कहा था फर्स्ट ऑर्डर की है, इसको प्रूफ कर दो, तो आपको इस तरह से इसको प्रूफ करना है। अब आपको कह दे कि नहीं k की वैल्यू निकालो, है ना, मान लो हमारी जो समीकरण थी जो हमने बनाई वो तो हमने ये बनाई अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू k और एस्टर। ठीक है, आपने तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर मान के लिख दिया है ना, यहाँ ऐसा कुछ था ना कि भाई k की जगह मैं लिख दूं k डैश इनटू वाटर। ठीक है, ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, आपको पता था एक्चुअली तो एस्टर पे भी डिपेंड कर रहा था और वाटर पे नहीं डिपेंड कर रहा था, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट थी तो वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो k डैश इनटू वाटर का जो मान है वो तुम्हारे पास आ गया जो तुमने k निकाला, तुम्हें कहे k डैश निकालो, है ना, बात समझे मेरी, कि अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू k इनटू एस्टर की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये जो k आया हमारे पास है ना, वो k आया है k डैश इनटू वाटर, इसको हटा के है ना, हमने हमारी मेन इक्वेशन में इसको लिखा ही नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेगी नहीं ये k डैश भी बता दो क्या है, तो बच्चों ये k डैश बताने के लिए क्या करोगे, वाटर कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। अब तो मिलेगा जल की सांद्रता, तो बच्चों अगर 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर जल की मोलरता होती है 55.5, हालांकि बहुत डिटेल में बट ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वापस समझो मेरी बात, आपके पास पता था कि अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू ये k है और एस्टर सांद्रता, हमने डायरेक्ट मान लिया छद्म एकाणुक अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी हमने इस बात को छुपा दिया। एक्चुअली यहां ऐसा होना चाहिए था कि भाई अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू k एस्टर की सांद्रता, यहां मैं एस्टर लिख देती हूं, और जल की सांद्रता, अब जल की सांद्रता कॉन्स्टेंट है इसलिए वेग जो है वो उसको निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, इसको k डैश लिख देते, तो हमने क्या किया, इन k डैश और वाटर को हटा के नया कॉन्स्टेंट लिख दिया k और हमने लिख दिया एस्टर। तो भाई ये k डैश इंटू वाटर कहाँ गया, तो हमने कहा ये k, और हमने सारे डेटा के अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकाल दी। तो ये जो तुम्हारा k आया है
है ना, ओवरऑल जो हमने एवरेज निकाला है ये के। तो बच्चों ये के तो एक्चुअली के डैश इनटू वाटर के बराबर होना चाहिए, और के डैश पूछ ले तो के अपॉन वाटर, और के का मान तो तुम्हारे पास आई गया 2.004 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और वाटर की मोलर था 55.5। तो बच्चों एक लीटर पानी, तो अगर मैं जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml मान लूं, तो 1 लीटर मतलब 1 किलो, और 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो जल का भार तो हो गया 1000 ग्राम, और जल का अणु भार 18, तो 1000 upon 18 करोगे तो 55.5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर 55.5 रख देंगे तो हमारे पास ये जो के डैश है इसका वैल्यू भी आ जाएगा बच्चों। तो ये जो के डैश है ये बन जाएगा 3.61 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। यूनिट वही रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो यूनिट आपका मिनट, अच्छा यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा, मिनट इनवर्स तो है ही इस के की यूनिट, और वाटर की क्या है मोल प्रति लीटर, तो मोलारिटी इनवर्स ये इसका मात्रक हो जाएगा। नया वाला जो के डैश है ना, ये तो मिनट इनवर्स है, तो मिनट इनवर्स ये क्या है, जल की सांद्रता मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर को मैंने मोलरता लिख दिया, कैपिटल एम ऊपर आया तो m^-1। क्लियर, तो ये था हमारे पास स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जो एनसीईआरटी में एज अ सॉल्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहां हमने कंप्लीट किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया के उदाहरण और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे गैसीय अभिक्रियाओं के लिए या प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक कैसे फाइंड करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।